सरकार से ये अपील है जी, हम तो अपना तन मन न्योछावर करने को तैयार हैं, जितना भी कुछ भी समाज के लिए करना पड़े हम समाज की अच्छाई के लिए अपना खून दान, शरीर दान, कुछ भी गुर्दा दान जीते जी सब कुछ करने को तैयार हैं। अगर सरकार को किसी प्रकार का वहम है तो वो भी निकाल के हमें जीने का एक सच्चा मौका दे और हमारे को तंग ना किया जाए। थैंक यू सर, आपने अपने विचार को मेरे साथ साझा किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन अरोरा द फैक्ट टाइप में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों आज एक ऐसा फैक्ट लेके आई हूं, एक ऐसी पर्सन से मैं मिलना चाहती हूं, आपके बात करवाना चाहती हूं, जो हमें संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में बताएंगे कि आखिर कैसे हैं वो। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जसवंत जी। कहाँ से आए? मैं कैथल ब्लॉक हरियाणा से आया हूँ। सर कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं? मैं 1995 से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हूँ। सर 1995 से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, तो क्या जानते हैं डेरा के बारे में? डेरा सरव धर्म संगम एक धार्मिक संस्था है और मानव को अपना ज्ञान कराने की एक अद्भुत कला है गुरु जी में। अपना खुद का इंसान का खुद का ज्ञान कराते हैं, ना किसी के बारे में विरोध करते हैं, ना किसी को तंग करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। इंसान बहुत बड़ी ताकत है तुम, और अच्छे काम करने कर्म कर देवी देवताओं से भी ऊपर है। सर मीडिया ने इतना कुछ बताया है, क्या वो बातें सच्चाई नहीं लगती आपको? मीडिया तो एक बिजनेस हो गया, पहले था पत्रकारिता, लोगों की आवाज़ पहुंचाती थी गरीब की, भाई सरकार तक आवाज़ पहुंचाए। अब मीडिया बिजनेस करती है, बिजनेसमैन हो गया, मीडिया नहीं रहे अब, बिजनेसमैन हो गया तो, और मूर्ख बनाता है पब्लिक को। पहले पब्लिक को उजागर करता था, अब मूर्ख बनाता है पब्लिक को। और गुरुजी एक खुली किताब है, डेरा सच्चा सौदा सरव धर्म संगम है, सारे धर्मों का आदर सत्कार करते हैं यहाँ पर, और आदमी को जीने की सही कला सिखाई जाती है। भाई बुराई से बचो, नशे बर्बादी का कारण है, राक्षसी नशे करते थे पहले तो, पुराने जमाने में देवी देवता अच्छे कर्म करते थे, राक्षस बुरे कर्म करते थे। वो शिक्षा देते हैं गुरु जी, भाई देवी देवताओं के ऊपर भी इंसान अगर अच्छे कर्म करे तो, देवी देवता पहले जिसने अच्छे कर्म किए देवी देवता थे, बुरे कर्म किए राक्षस थे। डेरा सच्चा सौदा एक सबसे दुनिया में सबसे ऊपर एक नंबर है संस्था है। सर मीडिया ने दिखाया कि डेरा सच्चा सौदा में बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो क्या आपकी बहू बेटियां भी यहाँ पे आती है? क्या आपने कभी कुछ देखा ऐसा जो मीडिया ने दिखाया? मेरे यहाँ 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां यहाँ पढ़ी भी हैं और यहाँ से जुड़े हैं। हम अकेले भी सारे रात घूमते रहे, अपनी बहन बेटी वो भी हम हमारे घर में असुरक्षित मानते हैं, यहाँ सुरक्षित मानते हैं। सर एक आपने जो एक ड्रेस पहनी है, वर्दी पहनी है, इसका क्या मतलब है, क्या लॉजिक है? बस ये गुरु जी की आस्था के अनुसार हमने अपने पैसों से वर्दी ली है और गुरु जी ने एक ऐसी फौज तैयार की जो निष्पक्ष होकर के सबकी सेवा करे और अपनी जान पे खेल कर लोगों की जान बचाए। सर बहुत सारे मान्यता भलाई के कार्य यहाँ किए जाते हैं, वो क्या है कार्य? 134 मानवता भलाई के कार्य करते हैं। पहले तो 47 दिए हम बढ़ाते थे, अपना जो गुरु जी ने रूहानी जाम पिया शुरुआत की, पहले शुरू में 3 नियम थे, फिर 47 नियम बनाए और 134 मानवताओं के भलाई के कार्य करते हैं। और यहाँ सबको आपस में प्रेम करना, आपस में मेल मिलाप करना सिखाते हैं, ना कि बैर विरोध। सर यहाँ पे गरीब लड़कियों के लिए गुरुजी क्या करते हैं, गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए, गरीब परिवारों के लिए संगत बहुत, हर टाइम मकान बनाना, गरीब बेटियों की शादी कराना, और क्या नाम कुछ भी है, कुछ भी किसी भी प्रकार की इलाज कराना गरीब का, सबकी खुले मन से, सबकी सारा हिंदुस्तान में पूरा तन मन धन से सेवा करता है प्रेमी, तो निष्पक्ष होकर के सबका आपस में मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन राजनीति तो धर्म जोड़ना सिखाता है, राजनीति तोड़ना सिखाती है।
सर एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि समाज को जो सच्चाई है, इमेज है, तस्वीर है डेरे की, आपके गुरु जी की, वो दिखाई है मीडिया ने, आप समाज को कौन सी तस्वीर दिखाना चाहोगे? समाज तो देखो अपने बाप को भी अच्छा नहीं कहता कोई, हम तो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ के सुरग स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग में, पहले नरक में थे, बुराइयों की तरफ दलदल में दसते ही जा रहा है इंसान, लेकिन गुरु जी ने अपने इंसान को, आत्मा को उजागर करके, सबको शिक्षा दे करके अपना आपा बुराइयों की तरफ से बचाने का तरीका सिखाया है। और क्या नाम, देखो आगे मालिक है, पूर्ण विश्वास है मालिक पे, सब कुछ अच्छा ही किया है और अच्छा ही करता रहेगा। सर समाज में जब से गुरुजी गए हैं कितनी बुराइयां बढ़ गई, कितने नशे बढ़ गए। बुराइयां तो अंत ही नहीं है बुराइयों का, तो और बुराइयां ही बुराइयां हैं। अगर संत ना होते समाज में तो बुराइयां ही हैं, संत रोकते हैं बुराइयों से इंसान को, भाई इंसान समझ तेरे काम के नहीं है ये, जितने भी नशे पते हैं सब राक्षसों के खाना पीना है, और इंसान बच नशों से और अच्छे कर्म कर और अपने जीवन का सुधार कर। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, सरकार को क्या अपील करना चाहते हैं, क्या बेनती करना चाहते हैं गुरुजी की? सरकार से ये अपील है जी, हम तो अपना तन मन न्योछावर करने को तैयार हैं, जितना भी कुछ भी समाज के लिए करना पड़े हम समाज की अच्छाई के लिए अपना खून दान, शरीर दान, कुछ भी गुर्दा दान, जीते जी सब कुछ करने को तैयार हैं। अगर सरकार को किसी प्रकार का वहम है तो वो भी निकाल के हमें जीने का एक सच्चा मौका दे और हमारे को तंग ना किया जाए। थैंक यू सर, आपने अपने विचार को मैं